हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का आपका 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम इस तरह का 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक इस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर जो ए का सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका 6 जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बेसिक लेवल से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन जो है तैयारी करेंगे, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। दो नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो शब्द हैं वो किस प्रकार का सर्वनाम है, यही आपको बताना है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो 3 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे किसी ने जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह आप जो है याद रखेंगे, किसी ने जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? वह ऐसा सर्वनाम जिसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का जो है बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे यह कहने से किसी निश्चित चीज़ों का बोध होता है। जैसे यह एक कलम है तो निश्चित चीज़ यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसके बाद देखेंगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि पुस्तक को मत ले जाओ। क्या बोला गया? पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का। ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है? क्योंकि पुस्तक जो है निश्चित है और निश्चित चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कोई जो शब्द है इससे किसी निश्चित चीज़ों का बोध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे थे, कोई व्यक्ति आते हैं और आपके पिता को खोजते हैं और आपके पिता नहीं रहते उस टाइम पर घर पर, तो आप बोल देते हैं कि अभी पिताजी नहीं हैं। तो वो व्यक्ति जो आए हुए हैं आपके घर पर, वो बोलते हैं कि पिताजी जब आएंगे तो बोल देना कि कोई आपसे मिलने आया था। तो आप क्या करते हैं? जब पिताजी आते हैं तो आप क्या बताते हैं कि कोई जो है आपसे मिलने आया था, यह कहते हैं। तो कोई मतलब कौन? कोई पता नहीं है। वो कोई जो आया था उसके बारे में निश्चित नहीं है कि वो कौन थे, तो इसीलिए कोई हो जो है कोई या फिर कुछ, ये सब जो शब्द है ये अनिश्चित चीज़ों को बोध करता है। तो कोई यहाँ पर अब क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जिन को। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? जिन को, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यह कविता मैंने लिखी है। एक सेंटेंस दिया गया आपको, सेंटेंस क्या है? यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने जो है वो कौन सा सर्वनाम है, यही आपको बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? जिससे स्वयं या फिर निजी का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने मतलब खुद ने, तो उस स्थिति में हम उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया।
यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो नौ का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। आज रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस तरह से जो है आप याद रखिए, आगे बढ़िए और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10 का सी ऑप्शन जो सो, जो और सो जहाँ भी आ जाए वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह से जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, मतलब निश्चित चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर जो है 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, 11 का ए ऑप्शन, यानी कि जिसने यहाँ पर जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये निश्चित चीज़ों को नहीं दिखाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में जो है सर्वनाम कौन सा है? तो 12 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वह जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के कितने, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वनाम का भेद है? तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे संबंधवाचक ये सर्वनाम का भेद है, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक ये सभी के सभी संज्ञा का भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का भेद कौन है? संबंधवाचक। आगे बढ़ जाइए और देखिए अपने 14 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो 14 का यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यहाँ पर जो 14 का डी ऑप्शन, आप भला तो जग भला, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। आप भला तो जग भला मतलब अगर मैं भला हूँ तो दुनिया क्या है भला, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 15 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे उनकी, ठीक है, तो उनकी जो है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उनकी, जैसे उनकी या उनकी कार है, तो उनकी मतलब किनकी, जिन उनका क्या है अता पता होगा, वो उनको जानते होंगे, वो कोई निश्चित व्यक्ति होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आप निश्चयवाचक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, उसे आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन ही होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट आपके 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है। तो समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैं आप चला जाऊँगा। देखिए ये सेंटेंस हल्का, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई जो है गेस्ट आते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो आप बोलते हैं कि चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो वह क्या बोलते हैं कि नहीं मैं स्वयं चला जाऊँगा, या नहीं तो मैं खुद चला जाऊँगा, या नहीं तो वो बोलते हैं कि मैं आप चला जाऊँगा या फिर अपने आप चला जाऊँगा। इस तरह से अगर कुछ बोलते हैं तो वो खुद का बोध कर रहे हैं, निजी का बोध कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो वो जो है कौन सा जो सर्वनाम होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, निजी, ठीक है, आप मतलब जो है अपने आप को क्या करते हैं वो वहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए अपने 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गोलू अपने, यहाँ पर आपको बताना है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, क्या बोला गया कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है यह आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर भी अपने आप पर भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब निजी, खुद, अपने आप पे, इस तरह का कोई भी अगर शब्द आ जाए तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित
शब्द कौन सा सर्वनाम है यही आपको बताना है। तो रेखांकित क्या है, कोई है, कोई जो शब्द है उस पर रेखांकित किया गया, देख सकते हैं नीचे में उसका रेखा खींचा गया है। तो शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो कोई छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है यह निश्चित नहीं है। तो जैसे किसी निश्चित चीज़ों का बोध न हो और निश्चित चीज़ों का बोध हो रहा हो तो वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो 20 का सी ऑप्शन सही होगा, उसको, ठीक है, उसको जो है आपका बिल्कुल है सही आंसर। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मोहन प्रकाश जी .. हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी जो हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है। तो 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स उन्हें, ठीक है, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें मतलब कोई व्यक्ति होंगे जिसे वो हिंदी पढ़ाया करते होंगे, तो उन्हें जो है यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा कमरा पसंद आया। तो देखिए 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो ए होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 22 में प्रश्न पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति से, कौन सा कमरा पसंद आया, मतलब आप कुछ उससे पूछना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा वाक्य हो जिससे किसी पूछने का बोध हो रहा हो, किसी भी चीज़ के पूछने का, कोई प्रश्न पूछना या फिर कोई भी चीज़ पूछा जा रहा हो, तो उसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, सभी सर्वनाम पुरुषवाची निम्नलिखित में से किस वाक्य में हैं। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वनाम नहीं है। तो 24 का सिंपल सा आंसर होगा राम। राम क्या है, ये नाउन है, मतलब संज्ञा है, ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरा मकान है, तो ये जो सर्वनाम है किस, ये जो वाक्य है ये किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है नहीं और निश्चयवाचक तो है नहीं, बोला जा रहा है कि मेरा, तो मेरा है तो अनिश्चित कैसे हुआ, संबंधवाचक तो है नहीं, तो कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर आपका उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है, मैं कल पटना जाऊंगा इसमें कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, मैं जो है वो क्या है, आपका सर्वनाम शब्द है, इस तरह से देखेंगे आप। और देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स कोई जो है क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि कोई जो शब्द है वो क्या होगा यहाँ पर आपका सर्वनाम होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 28 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये जो शब्द जिसके नीचे रेखा लिखा गया है ये कौन सा सर्वनाम है। तो 28 का बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, याद रखेंगे मध्यम तत्व, यहाँ पर आपका जो है सही आंसर जो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले 29 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। स्वयं जो शब्द है, खुद शब्द हो जाए या फिर अपने आप हो जाए, ये सब हम आपको जस्ट बताए थे कि क्या होता है। तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम जो है स्वयं शब्द होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है। तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कब, ये सब जो शब्द है ये प्रश्न को सूचित करता है। तो 30 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा
वो सी होगा, डैट मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। इस तरह से आपका सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप अभी तक मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं बेहतर तैयारी के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR Study देखते हैं।